हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जेडी मीडिया में। बताइए कि एक बार बड़ी अपडेट लेकर के आ रही है झारखंड के पारा शिक्षकों को लेकर के, झारखंड के पारा शिक्षकों के मानदेय को लेकर के। मतलब जिन पारा शिक्षकों का अभी तक मानदेय नहीं मिला है और जिनका मानदेय मिलने वाला है और जिनका मानदेय मिल चुका है उनके लिए भी बड़ी खबर है। बताते चले कि झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों को एक बड़ी राहत है। चले कि इनमें से अब पारा शिक्षकों का मानदेय जल्दी भुगतान किया जाएगा। जिन पारा शिक्षकों को नहीं मिला है और जिन पारा शिक्षकों को मिल चुका है उन्हें दोबारा भुगतान नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी दिसंबर के और नवंबर माह का भुगतान जल्दी किया जाएगा। चले कि जो जिनका भुगतान अभी रुका हुआ है उन्हें जनवरी के फर्स्ट सप्ताह में मानदेय भुगतान किया जाएगा। बचले कि जिन पारा शिक्षकों का मानदेय दिसंबर का है उन्हें फरवरी में मानदेय मिलेगा और जिनका नवंबर का बचा हुआ है उन्हें दिसंबर के लास्ट तक मिल जाएगा, और दिसंबर का मानदेय पारा शिक्षकों का जनवरी के 14 या 15 जनवरी तक में मिल जाएगा। बचले कि एक खबर बहुत ही शिक्षक रूप से निकल गई है, जिन बच्चों का अभी तक बायोमेट्रिक शिक्षकों का नहीं हुआ है और जिन बच्चों का आकलन नहीं हुआ है उन सभी बच्चों और शिक्षकों को वेतन रोका गया है। जिनका बायोमेट्रिक नहीं किया गया है और जिनका बायोमेट्रिक उपस्थित दर्ज कराई जा रही है उनका वेतन रिलीज कर दिया जाएगा जनवरी से पहले, और जिनका वेतन नहीं है उन्हें रिलीज नहीं किया जाएगा वेतन, क्योंकि उनका बायोमेट्रिक रुका गया है, उन्होंने बायोमेट्रिक नहीं लगाया। क्योंकि पारा शिक्षक और सहायक शिक्षक और कई प्राथमिक शिक्षक भी बायोमेट्रिक से छुटकारा पा चुके हैं, बायोमेट्रिक नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से उनका मानदेय रुका गया है, लेकिन जल्द ही इनका ही मानदेय रिलीज कर दिया जाएगा। इसके लिए करना कुछ नहीं है आपको, जल्द ही इन लोगों का मानदेय रिलीज करने के लिए आप अपने स्कूल की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करानी होगी और जल्द से जल्द अपना प्रमाण पत्र सत्यापन करा करके सबमिट करना होगा सिंचाई विभाग में, और इसके बाद आपका मानदेय जल्द ही जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। जिन पास चुका मानदेय रुका हुआ था उसका मानदेय अब जनवरी के मंथ में आने वाला है जल्द ही। दोस्तों यही थी कुछ छोटी सी अपडेट्स आप सबके लिए, शिक्षकों को भाइयों के लिए लेकर के। तो हमें उम्मीद है खबर पसंद, खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, और लाइक करना ना भूलिएगा। और ऐसी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तो जाना मैं आप सबके लिए ऐसी खबर लेकर के आते रहता हूँ। मिलते हैं नए साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।